एमपी के पुनासा में सिंगाजी परियोजना जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों के पुत्रों द्वारा निकाली गई वैकेंसी में जमीन अधिग्रहण पॉलिसी का पालन नहीं करने और आरक्षण नहीं देने के चलते परियोजना के मुख्य अभियंता को दिया ज्ञापन। संशोधन नहीं होने पर अपनाएंगे आंदोलन की राह, दी चेतावनी। मुख्य अभियंता बोले, ऊपर के अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। प्रदेश की सबसे बड़ी विद्युत ताप परियोजना सिंगाजी ताप परियोजना को बनाने के लिए 13 गांव के 489 किसानों ने अपनी जमीन को देश हित में दिया। वहीं जमीन देते समय पॉलिसी बनाई गई थी कि किसान जिनकी जमीन सिंगाजी परियोजना के लिए गई है, उन किसानों के एक परिवार के सदस्य को नौकरी योग्यता के आधार पर दी जाएगी। लेकिन अभी जो 200 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकली है, उसमें प्रभावितों को कोई आरक्षण ही नहीं दिया गया। किसान संघर्ष समिति का, और हम इसलिए यहाँ आए हैं कि जो हमारा जमीन अधिग्रहण होती वक्त जो एग्रीमेंट हुआ था सरकार से, अधिकारियों से, कि हमारा बच्चा, एक परिवार से एक बच्चा नौकरी में रखा जा, एग्रीमेंट चल भी रहा है। और अभी इस बार जो अभी वैकेंसी निकली, उसमें हमारे प्रभावित किसानों के बच्चों को एक का भी नाम नहीं। इसमें हम चाहते हैं कि जो पहले एग्रीमेंट हुआ वो ऐसा चलता रहे। 30% जो हमको देना है, 100 जैसी नौकरी निकली, 30% प्रभावित बच्चों को देना है। तो सरकार से और अधिकारियों से मांग कर रहे भैया, जैसा हमारा जिला ऐसा पूरा हो। और जब तक किसानों का 490 किसान है, सब बच्चे लगना चाहिए, तब तक ये एग्रीमेंट चलना चाहिए। ये हमारी मांग है सरकार से। नहीं होती तो अगला कार्यक्रम फिर जो हमारे अध्यक्ष जी ने बोला कि आंदोलन के लिए फिर बात होना पड़ेगा। हम सर, ये जो ज्ञापन दिया गया, इसका आगे क्या किया जाएगा? इसको मुख्यालय प्रेषित कर दिया जाएगा। आपकी जो भी चिंता है उससे मुख्यालय को अवगत करा दिया जाएगा। और मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि वो शांतिपूर्ण रखें माहौल को। जो भी सहयोग होगा वो हम करेंगे और उत्पादन में हमारा सहयोग करें। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।